बिहार में शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण की परीक्षा की तिथि की घोषणा बीपीएससी ने कर दी है। पहले यह परीक्षा रद्द हुई थी जो अब 19 जून से लेकर 22 जुलाई तक ली जाएगी। बीपीएससी ने इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस एग्जाम में गेस्ट टीचरों को भी परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। तीसरे चरण की इस परीक्षा में 87,774 शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा। बता दें कि यह परीक्षा एक ही पाली में आयोजित होगी। इसके साथ ही सेकेंडरी स्कूल के प्रधान शिक्षक की परीक्षा 28 जून को ली जाएगी, जबकि प्राइमरी स्कूल के प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा 29 जून को आयोजित होगा। गौरतलब है कि TRE 3 की परीक्षा 27 से 30 जून के बीच लिया गया था, जिसे रद्द कर दिया गया है। अब उसी परीक्षा की तिथि घोषित की गई है। बीपीएससी ने सभी जिलों के जिला अधिकारी को पत्र लिखकर परीक्षा केंद्र पर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। कदाचार के गंभीर आरोप लगे थे। पेपर लीक होने की बात कही जा रही थी। शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा का पेपर लीक मामले पर ठीक 6 दिन बाद आखिरकार बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने परीक्षा को रद्द कर दिया था। बीपीएससी ने आर्थिक अपराध इकाई के दिए गए साक्ष्य को मान लिया था। ईओयू के साक्ष्य के अनुसार 15 मार्च को हुए तीसरे चरण की परीक्षा के पेपर को एक संगठित गिरोह ने लीक करवाया था। अब बीपीएससी तीसरे चरण की परीक्षा की दूसरी तारीख भी निकाल दी है। आरोपी विशाल कुमार चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके निशानदेही से बिहार के कई जिले के अलावे झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी छापेमारी की गई थी। इसमें कई साक्ष्य मिले थे। आर्थिक अपराध इकाई के पास बैग में भरे काफी संख्या में प्रश्न पत्र भी मिले थे। इस मामले में आर्थिक अपराध ने 270 लोगों पर FIR दर्ज किया था। इस पूरे प्रकरण पर मास्टरमाइंड विशाल कुमार चौरसिया वैशाली का रहने वाला बताया गया था। वह उड़ीसा एवं दिल्ली में प्रश्न पत्र लीक मामले का भी मुख्य आरोपी रहा है। मिली जानकारी के अनुसार विशाल कुमार चौरसिया जेल भी जा चुका है। बता दें कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती लीक मामले में ईओयू को शुरू में ही बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन बीपीएससी ने साफ तौर पर कहा था कि जब तक पूरा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं दिया जाएगा तब तक परीक्षा रद्द नहीं होगी। अब ईओयू ने बीपीएससी को पुख्ता सबूत पेश कर दिया था, जिसके बाद से आखिरकार बीपीएससी ने वो परीक्षा को रद्द कर दी है। अब बीपीएससी ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और परीक्षा की नई डेट निकाल दी है। ऐसे में 87,774 पदों को इस बार भरना है और इसमें ये भी बता दें कि गेस्ट टीचरों को भी बैठने का मौका दिया जाएगा। तो जो लोग बीपीएससी से तीसरे चरण की परीक्षा के लिए तारीख का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अच्छी और काम की खबर है, क्योंकि बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब तीसरे चरण की परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से लिया जाएगा। हाँ, बता दें कि ये परीक्षा एक ही पाली में ली जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।